kit. तो हेलो भाई लोग, कैसे हो आप सभी। होप करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आगे पीछे रहेंगे। तो आज की वीडियो का थंबनेल और टाइटल आप लोगों ने देख लिया, तो आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ M87, जिसको हम प्यार से बोलते हैं, दो गोली वाली शॉटगन से वन टैप हेडशॉट कैसे मारे, यानी उसकी जो सेटिंग होती है उसके बारे में आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मेरे तुम सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे कहने से आज की वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना, इसके बिल्कुल भी नहीं करना है। आज की इस वीडियो में आपको जो सेटिंग और जो ट्रिक बताने वाला हूँ उससे आप लोगों को जो 90% हेडशॉट पड़ने के चांस है वो बढ़ जाएंगे। अब देखो, मैं आप लोगों को 100% तो नहीं बोल सकता, क्योंकि 100% अगर मैं बोलूंगा तो फिर तो आप लोग एकदम हैकर लेवल गेम प्ले करोगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको कोई हैक वैक या फिर कुछ ऐसी उल्टी सीधी चीज़ें नहीं बताऊंगा, आपको जो बेसिक चीज़ें यानी कि आप लोगों का जिससे गेम प्ले अच्छा हो या फिर आप लोगों की आईडी में कोई प्रॉब्लम ना आए वही चीज़ें मैं अपनी वीडियो में बताता हूँ। तुम सभी से भी एक रिक्वेस्ट है कि आप भी कोई ऐसी उल्टी सीधी चीज़ें यूज ना किया करो जो आपके मोबाइल की सेटिंग के अंदर होती हैं, फिर फ्री फायर की सेटिंग के अंदर होती हैं, उन्हीं ट्रिक को फॉलो किया करो। अब आप में से बहुत सारे बंदे हैक लगा लेते हैं या फिर बहुत सारे बंदे पैनल यूज भी करते हैं या फिर बहुत सारे तरह तरह के ऐप भी यूज़ करते हैं, तो भाई उनसे क्या होता है कि आपकी जो आईडी होती है वो बैन हो जाती है। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको रियल और जेन्युइन ट्रिक बताऊंगा जिससे कि अगर आप लोग फॉलो करते हो तो आप लोगों के जो हेडशॉट पड़ने के चांस है वो 90% बढ़ जाएंगे। तो चलो भाई, बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो भाई देखो, आप लोगों की जो दो गोली वाली शॉटगन होती है उससे आप लोग सिर्फ और सिर्फ दो तरीके से फाइट कर सकते हो। पहला तो होता है कि आप लोगों का शॉर्ट रेंज और दूसरा होता है आप लोगों का मिड रेंज। अब अगर आप लोग लॉन्ग रेंज से फाइट करोगे तो उस टाइम पर आप लोगों के हेडशॉट तो पड़ जाएंगे, लेकिन आप लोगों का जो बंदा होता है, सामने वाला जो एनिमी होता है, उसको आप लोग नहीं मार सकते, यानी उसके लिए आपको कम से कम 15 या 20 एमओ निकालनी पड़ेंगी अपनी शॉटगन से। तो भाई आप लोगों को हमेशा बस एक बात याद रखनी है कि आप जब भी किसी बंदे को मारते हो उस टाइम पे आप लोगों को उसके शॉर्ट रेंज में जाना है या फिर आप लोगों को उसके मिड रेंज में जाना है। अब अगर आप लोग एनिमी के शॉर्ट रेंज में, तो उस टाइम पे आप लोगों को दो गोली वाली शॉटगन से हेडशॉट कैसे मारना है उसके बारे में यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं। तो थोड़ा ध्यान से देखना और ध्यान से समझना। तो भाई देखो, अगर आपके सामने कोई एनिमी शॉर्ट रेंज में होता है तो उस टाइम पे आप लोगों को जो अपना फायर वाले बटन का ड्रैग होता है ना, उसको पूरा का पूरा ऊपर खींचना, यानी आप लोगों को जोर लगा के फायर वाले बटन को ड्रैग करना है। शॉर्ट रेंज में आपको ड्रैग करने की ज्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि आपके सामने एनिमी बहुत ज्यादा क्लोज रेंज में होता है। तो अगर आप लोगों के सामने कोई भी एनिमी शॉर्ट रेंज में होता है उस टाइम पे आप लोगों को अपने फायर वाले बटन को ऊपर की साइड पूरा जोर लगा के खींचना है। अगर आपके सामने कोई बंदा मिड रेंज में, तो भाई आप लोगों को हमेशा बस एक बात याद रखनी है कि आप लोग जब भी मिड रेंज में फायर करते हो तो उस टाइम पे आप लोगों को अपने फायर वाला जो बटन होता है ना, उसको हल्का सा ऊपर की तरफ ड्रैग करना है। लेकिन अगर आप लोग हल्का सा ऊपर की साइड ड्रैग करोगे उस टाइम पे आप लोगों को अपने फायर वाला बटन को एक साथ झटके के साथ ऊपर करना है, ठीक है। अब गाइस देखो, शॉर्ट रेंज में तो आप लोगों को पूरा ड्रैग करना है, लेकिन अगर कोई बंदा मिड रेंज में, तो उस टाइम पे आप लोगों को हल्का सा झटके के साथ ऊपर की तरफ ड्रैग करना है। गाइस देखो, आप लोगों को लॉन्ग रेंज में फाइट नहीं लेनी है, क्योंकि अगर आप लोग शॉटगन से लॉन्ग रेंज में फाइट लेते तो उस टाइम पे उसकी जो एमओ होती है वो एनिमी को पड़ेंगी तो सही, ठीक है, आप लोगों के हेडशॉट भी पड़ेंगे, लेकिन आपकी जो ज्यादातर एमओ होती है ना वो फैल जाती है, आप लोगों का जो एम है वो इधर उधर चला जाता है। तो भी आप लोगों को लॉन्ग रेंज में फाइट नहीं लेनी है अगर आप लोग दो गोली वाली शॉटगन यूज करते हो। तो यहाँ पर मैंने आपको दो सेटिंग बता दी, अभी हम बात करने वाले तीसरी सेटिंग की, जो कि कहीं सबसे ज्यादा यूजफुल होती है। अब भाई देखो, आप लोग जब भी किसी एनिमी को मारते हो तो उस टाइम पे आप लोगों को हमेशा बस एक काम करना है कि जैसे ही आप लोगों के ऊपर एनिमी रश करता है या फिर आप लोग एनिमी पर रश करते हो तो सबसे पहले कहीं आप लोगों को जंप करना है। जंप करने के बाद जैसे ही आप लोगों के पैर जमीन को टच करते हैं, देन उसके बाद कहीं आप लोगों को सामने वाले एनिमी पर फायर करना है। तो चलो भाई, एक बार मैं आपको इसको वापस से करके दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले मेरे तुम सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो मेरे भाई लाइक वाला बटन दबा देना, और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर देना। देखो, मेरे को ये भी पता है कि आप लोग एक बार के बोलने से ना तो लाइक करते हो ना ही सब्सक्राइब करते हो, तो यार देखो सेकंड बार बोल रहा हूँ छोटा भाई समझ के यार लाइक और सब्सक्राइब वाला बटन दबा देना, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो थोड़ा सा अपनी तरफ से सपोर्ट है वो दिखा दिया करो यार। तो भाई एक बार मैं आपको वापस से समझाता हूँ कि आप लोगों को सामने वाले बंदे को किस तरीके से मारना है। तो भाई देखो, अगर आप लोग किसी एनिमी पर रश कर रहे हो या फिर कोई एनिमी आपके ऊपर रश कर रहा है, तो भाई सबसे पहले आप लोगों को हमेशा एक बार जंप करना है। जंप करने के बाद जैसे ही आप लोगों के पैर जमीन को टच करते हैं, देन उसके बाद आपको सामने वाले बंदे पर फायर करना है। सबसे मोस्ट बात कि आप लोग चाहे कितनी भी टिप्स एंड ट्रिक की वीडियो देख लो, चाहे आप लोग कोई भी सेटिंग कर लो, चाहे आप लोग कोई भी सेंसिविटी कर लो, जब तक आप लोग गाइस प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप सामने वाले बंदे को ईजी तरीके से हेडशॉट या फिर वन टैप नहीं मार सकते। तो भाई आपको मैं बस एक ही बात बोलूँगा कि आप लोगों को सबसे पहले ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर एक या दो घंटे जाके प्रैक्टिस करनी है। जब तक गाइस आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप सामने वाले बंदे को नहीं मार सकते। हम बस इतना ही, अगर आप लोग लास्ट तक ये वीडियो देख रहे हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि आप लोग कितने GB रैम मोबाइल में खेलते हो और गाइस आप लोग कहां के रहने वाले हो। तो तुम सभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, लेकिन सब्सक्राइब कर देना।